जैन दोस्तों, इस तरह के टावर्स को अक्सर आपने इंटरनेट वीडियोस में या फिर रोड पर जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो अगर कहीं पावर प्लांट है तो वहां पर आपने इसको देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के जो टावर्स होते हैं उनकी बात करने वाले हैं कि आखिर ये किस तरीके के होते हैं, इनका यूज क्या होता है, किस पर्पज के साथ इनको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो टावर्स होते हैं बेसिकली इनको पावर प्लांट्स के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहां जाता है, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहां पर जो मिल होती हैं जैसे राइस मिल हो गया, सुगर मिल हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहां पर इन टावर्स को इंस्टॉल किया जाता है। अगर हम बात करें इसके नाम की तो बिजनेस लैंग्वेज में इसको कहते हैं कूलिंग टावर। जी हाँ दोस्तों, इसको कूलिंग टावर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके काम की अगर हम बात करें कि किस काम के लिए इनको बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है या फिर इनको लगाया जाता है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है लगाने का वो होता है पानी को ठंडा करना। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक पावर प्लांट का जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी पावर प्लांट में जो उसकी दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो होते हैं, सबसे पहला होता है कोयला। जी हां दोस्तों, कोयले को काफी ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा जो कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है या फिर जो भी चीज है वो हमारा होता है पानी। जी हां दोस्तों, पानी को बाद में भाप बनाया जाता है, लेकिन बेसिकली जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है पावर प्लांट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले तो जो कोयला लिया जाता है उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको बॉयलर्स के अंदर डाला जाता है। जब ये जो कोयला होता है इसको जलाया जाता है और उसके ऊपर जहां पर कुछ पाइप्स लगे होते हैं जिनमें पानी को लाया जाता है, जिसके कारण वो आग की जो कह सकते हैं लपटें होती हैं, जो भी गर्मी होती है उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है भाप के अंदर, जो आप स्टीम कहते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर जो स्टीम क्रिएट होती है इसको एक बड़े अमाउंट में पाइप्स के जरिए टर्बाइंस तक पहुंचाया जाता है। टर्बाइंस क्या होती हैं? जैसे आपके मोटर्स हो गए जिनके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, रोटेट करते हैं, वो टर्बाइंस होती हैं। तो उस स्टीम को टर्बाइंस तक पहुंचाया जाता है और स्टीम इतने प्रेशर से जाती है कि किसी भी टर्बाइन के जो ब्लेड होते हैं उसको हाई आरपीएम पर वो घुमा देती है। अब जब यहां पर फ्रेंड्स वो जो टर्बाइन है वो घूमेगी हाई आरपीएम पर, तो वहां पर वो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को बाद में जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से वहां पर फ्रेंड्स उसको सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? बचती है हमारी भाप। जी हां दोस्तों, स्टीम इसके बाद जो बचती है उसको पानी के कांटेक्ट में सबसे पहले लाया जाता है। उसको पानी के कांटेक्ट में लाने से होता क्या है कि वो जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसका जो कह सकते हैं मकसद होता है उस पानी को ठंडा करना ताकि उसको बाद में भी यूज किया जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर जो मेन काम आता है वो होता है हमारे टावर्स का। जी हां दोस्तों, उस गर्म पानी को सबसे पहले तो टावर का जो टॉप होता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर उसको पहुंचाया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहां पर उसको वहां पर पहुंचाने के बाद उसमें पाइप्स लगे रहते हैं या फिर उसको फ्रीली वहां से गिराया जाता है पानी को। तो फ्रेंड्स, इससे होता क्या है कि जो टावर्स होते हैं इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, जैसे 40 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर। तो ये जो काफी ज्यादा हाइट होती है वहां से जब उस पानी को गिराया जाता है तो नीचे से एयर आती है। आपने नोटिस किया होगा जब ये टावर्स आपने देखे होंगे तो इनका जो बेस होता है वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है, और अगर हम इसके टॉप की बात करें तो वो बेस के मुकाबले कम कह सकते हैं चौड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, जब वहां से वो गिरता है और नीचे से हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये कंप्लीटली यहां पर पानी को ठंडा कर देता है, उसको कूल कर देता है। इसका मकसद यही होता है कि उस पानी को ठंडा करके जो वहां का रिजर्वॉयर है जहां से वो पानी लेते हैं पावर प्लांट वाले, वहां पर उस पानी को कह सकते हैं फिर से सप्लाई कर दिया जाए ताकि जो उस पानी को बाद में भी यूज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट प्रोसेस जिसमें टावर का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टावर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।